हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो एक बना चुकी हूँ मैं उसकी, ठीक है, पार्ट वन, तो ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसमें ऑलमोस्ट हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस ही थे, ठीक है, जिनको अगर आप एक बायो के स्टूडेंट हैं तो उन्हें मतलब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर आप किसी भी क्लास में होंगे, 12th में हैं या फिर आप अपने ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स में हैं, किसी में भी, ठीक है, तो वो उन क्वेश्चंस को मतलब आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, ठीक है, आना ही पड़ेगा उनको आना ही चाहिए, सॉरी। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर ये आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देर इज़ नो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इन, ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कौन सी इसमें से चीज़ें हैं, जैसे कि जो ऑप्शन फर्स्ट है, बैक्टीरियल सेल, ग्रीन एल्गी सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो इसमें से ऐसा कौन है जिसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा होता है। सो जैसा कि आप जानते होंगे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअली में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एनिमल सेल जैसे कि है इसमें एनिमल सेल में भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड ग्रीन एल्गी सेल्स होती हैं उसमें भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बट क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, आपको बैक्टीरियल सेल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें जो क्या होता है, ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में स्टोर रहता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं देखने को मिलता है, ओके। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके बारे में इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा करेक्ट है, इसमें क्या पूछा गया। देखिए पहला ऑप्शन बता रहा है आर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगी, राइट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड इज़ एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ऐसा क्या होता है, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, गलत है ऑप्शन ये। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज़ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये तो करेक्ट बिल्कुल ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा कि अभी ऑलरेडी मैंने पहला वाला क्वेश्चन देखा है ना हम लोगों ने, तो वो बता रहा था उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इसी तरह से ये भी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, ओके। सो द राइट आंसर इज़ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसमें भी क्रोमैटिन मटेरियल तो ऑब्वियसली इसकी बात ही मिलेगा ही। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स क्या होता है, देखिए जो यूनिसेलुलर्स होते हैं ना, अब जैसे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, सो ये सभी इसमें प्रोकैरियोट्स के केस में कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज़, इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसे रहता है, ठीक है, डीएनए इज़ इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप,
लैकिंग, डीएनए इज लैकिंग, नहीं डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। क्या ऐसा होता है प्रोकैरियोट्स में जो उनका डीएनए होता है वो क्या न्यूक्लियर एनवेलप में बंद रहता है? अब भाई जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो कैसे न्यूक्लियर एनवेलप में क्लोज रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, डीएनए पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। नॉट अ जेनेटिक मटीरियल, डीएनए में सॉरी प्रोकैरियोट्स में भाई जेनेटिक मटीरियल तो देखा ही जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, इट्स रॉन्ग। सो विदाउट अ मेम्ब्रेन, ये सही है क्योंकि डीएनए जो रहता है वो मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। इट्स अ राइट आंसर। ओके, विदाउट अ मेम्ब्रेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज फाउंड अराउंड द, ये पूछा गया है कि सेल वॉल होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सो सेल वॉल इज़ फाउंड अराउंड द प्रोकैरियोट्स, एग्जैक्टली वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एल्गल सेल्स, एल्गी में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्लांट सेल्स में तो होती ही होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, ये चार तीनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ऑल द एबव हो जाएगा। सो अभी तक मैंने चार क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, फिफ्थ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज केमिकल एनर्जी ऑफ फूड स्टब्स इज कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म्स बाय। सो इसमें क्या बोल रहा है जो केमिकली, सो इसमें जो एनर्जी की बात की जा रही है तो कन्वर्ट हो जाती है इनटू बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म्स। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं आप, ठीक है, प्लांट्स में जब सनलाइट होती है, ठीक है, जब सनलाइट के केस में क्या होता है, जो सन होता है वो सनलाइट रिलीज करता है ना, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, दिन में ही सनलाइट होती है ना, तो दिन में वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। वो इनऑर्गेनिक फॉर्म जो एनर्जी होती है इनऑर्गेनिक फॉर्म से वो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो इस केस को बोलते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वो लोग अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सन रेडिएंट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। तो ऐसा कौन करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, नो, राइबोसोम्स, नो, सेंट्रोसोम्स, नो, तो ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सो द राइट आंसर इज बी। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन, नहीं भाई, एनिमल सेल्स में भी होती है और ये इसमें भी, क्या नाम है, प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। सेंट्रियोल्स, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। और लाइसोसोम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम्स ये तो दोनों में देखने मिलता है, प्लांट्स में भी जो कि और एनिमल्स में भी, ठीक है। राइबोसोम्स सिर्फ उस राइबोसोम्स भी होते हैं, वो भी दोनों में देखने को मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट दोनों में। लाइसोसोम जो होता है उसका जो मेन वर्क जो होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या कराता है, लाइसोसोम जो होते हैं वो डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो उसको ब्रेक कर देते हैं डिग्रेडेशन में, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है सिंगल इन्वेलप सिस्टम इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये सिंगल इन्वेलप के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें कौन से ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल इन्वेलप पाया जाता है? सो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव द कॉमन, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, एक सेकेंड, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऐसा क्या है जो कॉमन होता है?
सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन देखने को मिलता है? तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है ना, उसका जो डीएनए कंटेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट स्टडीड बाई, तो किसने इसको पहले स्टडी किया था? जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सबसे पहले ल्यूवेन हॉग जी जो थे उन्होंने स्टडी किया था। सो गाइस ये आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मैं आपको ऐसे और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में हर जगह आपसे ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।